शराब ठेकेदारों ने आबकारी विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन, आबकारी विभाग की नई नीतियों का किया विरोध। शराब के ठेकेदारों ने आज आबकारी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विभाग की नई नीतियों का विरोध किया। इनका कहना है कि जिस प्रकार 42% टैक्स बढ़ाया गया है वह काफी गलत है। इसके अलावा रेस्टो बार से सीधा 6 लाख से 12 लाख रुपए वसूला जाएगा, जो काफी गलत है। विभाग द्वारा निकाली गई नीतियों का आज विरोध किया गया। हम सभी ठेकेदार यहाँ पे जो आबकारी नीति के तहत फीस बढ़ाई गई है एवं जो अन्य बातें हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं भैया, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। गत वर्ष रेस्टो बार की फीस 6.5 लाख रुपए थी, इस वर्ष उन्होंने इसको जस्ट डबल करके 12 लाख रुपए कर दिए, जो न्याय उचित नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो फीस बढ़ाई गई है उसको कम करा जाए एवं देसी की जो गारंटी बढ़ाई गई है उसको कम किया जाए। 42% जो गारंटी करी वो बढ़ाई जाए, उसमें अंग्रेजी का जो प्रावधान किया गया वो गलत है, उसका विपरीत असर अंग्रेजी के जो ठेके उन पर पड़ेगा। जो GSM का माल इन्हें जबरन कर रहे हैं कि भाई 15% उठाना पड़ेगा, वो बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। आप लोगों का जो क्रय विक्रय होता है जी, किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको? सबसे बड़ी दिक्कत आई कि जो POS मशीन बोल रहे हैं, शाम को मैक्सिमम टाइम हमारा 7 से 8 सेल का होता है, जो संभव ही नहीं है कि आप हर ग्राहक को एक पौवे अद्धे का आप बिल दे सके, वो संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी असंभव है बिल्कुल। सेकंड पुलिस का जो आक्षेप है वो बिल्कुल हटाया जाए, इसमें पुलिस की जो अनुचित दबाव दिया जाता है, मंथलियाँ लिए जाती है, वो बिल्कुल न्याय उचित है। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह राजावत भी है। आज हम यहाँ सभी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो पब्लिक हित में और ठेकेदारों के हित में नहीं बनाई गई है। वर्षों से सरकार का प्रोसीजर है कि वो 15% 2005 से लेकर आज तक 15% के हिसाब से बढ़ाती आई है। इस साल इन्होंने 42% एक साथ बढ़ाया है, जो इम्पॉसिबल है। इस हिसाब से यहाँ की पूर्ति हुई नहीं, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। पुलिस की जो बात है, किस तरह का रवैया रहता है पुलिस का? पुलिस का तो रवैया जबरदस्ती का रवैया है। अब मतलब दुकानों के सामने आके खड़े हो जाते हैं, एक तरफ सरकार कहती है मशीन से बिल दो, ये आधे पौन घंटे का टाइम मिलता है बिक्री का, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, इसमें इस दरमियान हम क्या क्या करेंगे? उधर पुलिस को झेलेंगे, ग्राहक को झेलेंगे, क्या करेंगे? इससे रेवेन्यू की पूर्ति हो नहीं पाएगी, इसलिए एक समस्या है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। सरवर अली खंडेला।